हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है संडे और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ अभी इडली। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल कि मैं आज इडली बनाने वाली हूँ, तो इडली का बैटर जो है वो रेडी है, तो अभी इडली बनाने ही वाली हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पता नहीं आज इसके बाद क्या होने वाला है, मतलब अभी तो ये ड्यूटी गया है फिलहाल, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो इसके बाद फिर पता चलेगा कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। नहीं तो फिर हमारा संडे घर पे ही बनेगा। वैसे भी जो भी होगा वो आप देख ही लोगे। तो चलिए फिर, अभी बनाती हूँ मैं इडली और मिलती हूँ उसके बाद। तो गाइज, यहाँ पर मैंने टमाटर वॉश करके रख दिए थे क्योंकि इन्होंने सुबह ही मुझे सब्जियाँ जो है वो ला के दी थी। क्योंकि आज संडे है तो हमारे यहाँ का मार्केट भी रहता है, मतलब संडे के दिन बाज़ार रहता है हमारे यहाँ का, तो इसी वजह से इन्होंने आज सुबह ही मुझे सब्जियाँ सारी ला के दी थी। तो मैंने यहाँ पे टमाटो जो है वो वॉश करके रख दिया है क्योंकि ऐसे ही मैं टमाटो वॉश करके रख देती हूँ इस वाले बास्केट में। मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है कि मैं ऐसे बास्केट्स वगैरह में ही सारी चीज़ें रखती हूँ अपने फ्रिज में। और मैं यहाँ पर भिगोने वाली हूँ इमली, तो क्योंकि मुझे सांभर बनाना है, क्योंकि इडली बनानी है तो उसके लिए सांभर लगेगा ही, तो उसके लिए मुझे सांभर के लिए इमली चाहिए होगी। तो मैं सबसे पहले इमली भिगोने के लिए डाल देती हूँ ताकि वो भीगती रहे। और उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इमली ख़राब तो नहीं हुई है ना, तो नहीं हुई थी ख़राब, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इमली भी भिगोने के लिए डाल दूँगी। और मैं इतना ज़्यादा गौर करके पता नहीं क्या देख रही थी उसमें, मुझे लगा था कि इमली ख़राब हो गई है क्या, क्योंकि इमली ना ऐसे मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो इसी वजह से मैंने नमक लगा के रखा था उसे। अगर आप नमक लगा के रखते हो तो आपकी इमली ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैं इमली भी भिगोने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जो कप्स पड़े हैं, तो ऐसे कप मेरे हमेशा ही दिखेंगे आपको, मतलब हमेशा मीन्स जब भी चाय एक्चुअली बनती रहती है मेरे घर में, तो इसी वजह से कप्स ना निकलते ही है बहुत चाय के। तो यहाँ पर मैं चाय के कप्स भी धो लूँगी और उसके बाद उसे अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ना कप का थोड़ा सा डर रहता है, अगर उस पे उसके ऊपर और बर्तन रख दिए जाए तो वो उसकी डंडियाँ टूट जाती है और फिर कोई काम के नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा संभाल के ही पहले कप्स धो लेती हूँ, मतलब कप्स कप्स रहे तो पहले कप्स धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे जो बर्तन है उसमें रखती हूँ। क्योंकि अभी जो भी बनाऊंगी उसके तो काफ़ी सारे बर्तन निकलने वाले हैं, क्योंकि इडली वगैरह हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इडली स्टैंड में इडली डाल दे रही हूँ, और ये वाला स्टैंड मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था कि मैं लेके आई हूँ नया वाला, तो वही मैं आज यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब नए बर्तन में ना खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर तो क्योंकि वो बर्तन काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा लगता है उसमें खाना बनाना, और यहाँ पर मैं वही यूज़ कर रही हूँ तो इसमें ना जल्दी बन जा रहा है। तो वैसे कैसे क्या होता था, मेरा जो पहले वाला स्टैंड था इडली का, मतलब जो कुकर था पहले वाला, तो वो एल्युमिनियम का था, उसमें ना चिपकती थी इडलियाँ और वो थोड़ा सा क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा झंझट होती थी उससे। तो इसी वजह से मैं ये वाला अभी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इससे ना इस इडली भी नहीं चिपकी और क्या बोलते हैं तो इसके क्लीनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी रहा मुझे। और यहाँ पर मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ, और हाँ, इडली का जो रेसिपी है, मतलब इडली की जो फुल रेसिपी है वो भी आने वाली है चैनल पे, क्योंकि इस टाइम में इस मौसम में ना इडली का जो बैटर है वो फूलता नहीं है जल्दी से, और उसके लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है या क्या चीज़ मैं डालती हूँ ऐसा उसमें कि जल्दी से बैटर फूलता है उसका और अच्छे से सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनती है उससे। तो इडली की रेसिपी का फुल वीडियो आएगा आपके लिए, इस टाइप से मतलब उस रेसिपी से आप इडली बना के देखना, काफ़ी ज़्यादा मतलब इडली टेस्टी बनेगी और काफ़ी ज़्यादा स्पंजी बनेगी, और कोई भी आपको इनो या कोई भी आपको सोडा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो इस तरह से अगर आप देखोगे मतलब इडली बना के उस तरह से जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी आपकी इडली। तो मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद उसका वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगी, मतलब सेपरेट वीडियो। मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है ये वाला वीडियो, इसी वजह से मैंने सेपरेट उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने अभी सांभर के लिए सारी सब्जियाँ काट के रख दी है, तो यहाँ पर मेरा सांभर भी रेडी है।
और आप चाहो तो मतलब सांभर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ मैं, अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट सांभर की रेसिपी भी मैं आपके साथ सेपरेट ही शेयर करूँगी। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से सांभर बना था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था गाइज। मतलब जो भी मेरे हाथों का सांभर खाता है या इडली खाता है तो वो यही बोलता है कि मतलब आपने सीखा कहाँ है और आप मतलब कैसे बनाती हो, तो एक बार तो मेरे से रेसिपी ले ही लेते हैं वो। तो इसी वजह से मैं जैसे सांभर बनाती हूँ और जैसे मैं इडली बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो सेपरेट वीडियो में, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इसके बाद ही आएगा वो वीडियो, मतलब इस व्लॉग के बाद ही आएगा, तो वो देखिएगा ज़रूर, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से सांभर और इडली बनाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे थे काफ़ी देर से कि खाना है करके, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी खा लेते हैं साथ में ही, सारे लोग मतलब एक साथ ही खा लेंगे। तो मैं अद्विक को भी खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ और माही भी खा रही है यहाँ पे, तो इनका वेट कर रहे थे एक्चुअली, तो ये ड्यूटी से नहीं आए थे, तो इसी वजह से हम लोगों का मतलब भूख लग गई थी तो हम लोग खाने बैठ गए थे। गाइस काफी देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर सो गई थी और अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो आज स्पेशल डिनर होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि संडे के दिन या तो चिकन होता है नहीं तो चिकन से रिलेटेड कुछ मतलब डिनर बनता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी, तो उसके लिए सारी चीज़ें निकाल के रखी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया आप लोगों से बातें करने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी है और जो राइस है वो भी भिगो के रख दिया है। तो चलिए अभी चिकन बिरयानी बनाते हैं और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। और चलिए फिर अभी बनाते हैं जल्दी से क्योंकि मुझे भी भूख लगी है काफ़ी देर से। मतलब आज ना इडली बनाई थी तो इडली में ही मतलब लंच बनाया ही नहीं, आज इडली में ही काम चला लिया, मतलब पूरा आज दिन भर इडली ही खाई, बच्चों ने भी इडली खाई और हम लोगों ने इडली खाई। तो इस वजह से डिनर जल्दी करना है, तो चलिए फिर अभी पहले जल्दी से बना लेते हैं और उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारा कुछ निकाल के रख दिया है और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें डालना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें चॉप करके रख दी है पहले से ही, मतलब ताकि मुझे जब मैं बनाऊँ तो मुझे परेशानी ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर मसाले भी निकाल के रख दिए हैं और अनियन चॉप करके रख दिए हैं। तो अनियन को ना आपको लंबा लंबा काटना है, यहाँ पर धनिया भी चॉप करके रखा है। तो उसके बाद आपको मसालों में हमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है और लिया है चिकन मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च और खड़े मसाले, इलायची, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें ली है। और उसके बाद टोमेटो भी चॉप करके रखा है 1 कटोरी। उसके बाद दही लिया है, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है छोटा 1 कटोरी, फिर पुदीना चाहिए होगा, फिर 4 खड़ी जो हरी मिर्च है वो काट के रखी है और धनिया पत्ता वहाँ पर काट के रख दिया है। तो यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रख दी है मैंने और काफ़ी देर से कढ़ाई रखी थी तो इसी वजह से सॉरी गाइस थोड़ी सी कढ़ाई जो है वो गर्म ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसमें जैसे ही तेल ऐड किया तब मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है कढ़ाई। तो उसके बाद तेल ना बहुत जल्दी गर्म हो गया था तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा धुआँ आ रहा था तो मैंने चिमनी भी ऑन कर दी थी। और यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता ऐड किया है, जो खड़े मसाले हैं वो सारे ऐड किए हैं और फिर प्याज ऐड किया है। तो अब इसे अच्छे से चला लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को। और उसके बाद फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने जो बना के रखा था वो हम उसमें ऐड करेंगे। पहले प्याज को अच्छे से होने देना है आपको, थोड़े सा प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक होने देना है। उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसकी भी एक अच्छी स्मेल चली जाए तब तक आपको इसे भूनना है अच्छे से प्याज के साथ। और अच्छे मतलब अच्छे से ये भून जाए तब तक आपको इसे चला लेना है। और उसके बाद मैंने ऐड की है इसमें हरी मिर्च, इसे भी अच्छे से भून लेना है आपको, मतलब जो भी मसाला है सारा अच्छे से भून जाने के बाद, भूनने पर ही सारा डिपेंड करता है कि आपकी जो जो भी सब्जी या कुछ भी आप बना रहे हो तो वो भूनने पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले निकाल के रखे थे तो वो सारे ऐड कर दूँगी। और मुझे ना थोड़ा सा जो मिर्च पाउडर है वो कम लग रहा था तो इसी वजह से मैंने मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और उसमें टोमेटो मैंने एक बड़ा काट के रखा था तो वो मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा नीचे जैसे ये हो गई थी, क्या बोलते हैं, तब गई थी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है उसमें। अभी ये टोमेटो गल जाएगा अच्छे से, तो इस पर थोड़ा सा ढक्कन रख के हम थोड़ी देर इसे गलने देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें गल चुकी है, मतलब यहाँ पर मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और अच्छे से चला लेंगे, मतलब चिकन सारा मसालों में, मतलब मसाला जो है वो सारा चिकन में लग जाए, चिकन सारा मसालों में लग जाए, ऐसे बोल रही थी। तो थोड़ा सा उल्टा ही बोलने लगी हूँ मैं आजकल। तो इस तरह से मैं अभी हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, हम लोग थोड़ी देर इसे ढक के रख देंगे, मतलब रेडी मीन्स अभी इसे स्टीम आने देंगे, और फिर उसके बाद उसमें कर्ड ऐड करेंगे। तो कर्ड अभी पहले ही ऐड नहीं करेंगे हम लोग, अभी पहले इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर, मतलब स्टीम आ जाए थोड़ी, तो उसके बाद हम लोग उसमें कर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुदीना पत्ते ऐड कर रही हूँ, पुदीना पत्ते ऊपर से डाल दूँगी और उससे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद उस पर ढक्कन रख के अच्छे से उसको स्टीम आने दूँगी। तो उसके बाद हमारा जो वो है चिकन है थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद हम लोग उसमें कर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी देर ढक के रखने के बाद थोड़ी स्टीम आ गई थी, तो उसके बाद मैंने जो पॉट में मसाला पीसा था, मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट पीसा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और वो पानी मैंने उसमें ऐड किया है, और फिर ढक के रख दूँगी, और मतलब उसमें कर्ड ऐड करके अभी इसे सारा मिक्स कर लेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद और ढक के रख देंगे। तो हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। और आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे हम लोग चिकन बनाते हैं उस टाइप का, इसे हमें और राइस में भी पकाना होगा, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा इसे हल्का सा ही पकाना है। तो अभी यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे ढक्कन रख के, और यहाँ पर हमारा जो चिकन है हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते जाएंगे कि हमारा चिकन रेडी हो चुका है या नहीं, और थोड़ा सा अल्टी पल्टी करके हम लोग इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर चेक करते जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, और उस पर अभी ढक्कन और रख के छोड़ दूँगी। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बन चुका था ऑलमोस्ट, तो मतलब मैं देख ही जा रही थी, हमेशा हमेशा चेक करती ही जा रही थी ताकि नीचे से लग ना जाए। तो यहाँ पर ना ये इनकी मुझे पता नहीं, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये मैं मतलब पता नहीं ये गंदी आदत इनकी कब जाएगी। तो ये ना मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो ये चेक करने के लिए आ ही जाते हैं, बीच बीच में ही करते हैं, चम्मच हिलाने के लिए आ ही जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बना है। तो मैं यहाँ पर हंस रही हूँ कि इनको ना मतलब इनकी आदत नहीं जाएगी, ये चेक कर रहे हैं कि सच में मसाला अच्छे से बना है या नहीं बना है, क्योंकि इनको ना कुकिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है कुकिंग में, और इनको काफ़ी अच्छे से चीज़ें बनानी आती है, तो इसी वजह से ये मुझे जज करते हैं हमेशा कि कैसे बना है क्या बना है। देखते हैं, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो चम्मच हिलाने आ जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे हंसी आ रही थी कि ये अभी भी आ ही गया है चम्मच हिलाने। और यहाँ पर मैं वही कढ़ाई जो क्या बोलते हैं इडली की, मतलब इडली के लिए आई है, तो वही कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वो और मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा उसमें। गाइस यहाँ पर जो बासमती राइस है वो मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो अभी मेरा चिकन बन चुका है और चिकन पक चुका है, थोड़ा सा कम ही पकने देना है उसे क्योंकि हम इसे राइस में पकाएंगे, इसी वजह से ये आधे घंटे से सोख हो रहा था चावल, तो इसी वजह से अभी मैं इसे पकाने के लिए डाल दूंगी। तो जो इसका पानी है वो पहले मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है, तो अभी दूसरा पानी मैं इसमें डालूंगी। मैं ये चावल इसमें डाल रही हूँ पतीले में, और अब ऑयल ऐड करना है इसमें, थोड़ा सा नमक ऐड करना है क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया है, तो इसी वजह से नमक कम ऐड करना है। हम लोग जो चिकन है ये
गाइस यहाँ पर अच्छी तरह से आपको चिकन उसमें मिक्स कर लेना है और उसके ढक के रख देना है। और यहाँ पर मैं पुदीना पत्ता जो है वो बचा हुआ पुदीना पत्ता उसमें ऐड कर रही हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसको अच्छे से ढक के रख दूँगी। और ये वाली कढ़ाई ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मतलब काफ़ी बड़ी है और ऐसे चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइट बैठता है और इससे बाहर स्टीम नहीं निकलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसमें। हाँ, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर हम लोग ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं और मैंने सारी चीज़ें मतलब निकाल के रख दी थी। और यहाँ पर ना इनको लड्डू वगैरह बनाना नहीं आता है, बट फिर भी मैंने बोला इनको थोड़े से हेल्प कर दो मेरी, क्योंकि मुझे काफ़ी बाकी के काम भी करने थे, तो इसी वजह से इनको बोला हेल्प कर दो। तो ये क्या कर रहा है वहाँ पर, ऋत्विक डांस भी कर रहा था, मतलब माही ने ना गाने लगाए थे, तो माही ने जो गाने लगाए थे उस पर वो डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था उसके पापा के साथ, और काफ़ी मस्ती करता है ये, दिन भर मस्ती करते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग वो क्या कर रहे थे, मुझे ऐसे लड्डू का शेप बना के दे रहे थे, मतलब सिर्फ दबा के दे रहे थे वो, और फिर मैं उसको वो उनके हाथों के शेप से बना के दे रहे थे, मतलब उनके हाथों के साइज़ से, और मैं उसको फिर कम करके अपने हाथों के साइज़ से फिर एक जैसे लड्डू बना रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो उन्होंने जो बना के रखे हैं, तो उसमें से मैं निकाल रही हूँ और उसको अपने हाथों से शेप दे रही हूँ और फिर वो लड्डू मेरे बन जा रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी मुझे, क्योंकि उनको लड्डू बनाना नहीं आता है, तो मैंने उनको बिठा दिया था। और यहाँ पर अद्विक बहुत ही अच्छे से डांस कर रहा था, तो मस्ती काफ़ी चलती रहती है उसकी, उसके पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो अद्विक को पहले खिला दिया था इन्होंने, तो मैंने जब तक मेरा लड्डू का जो रेसिपी है मतलब लड्डू की कंप्लीट की, तब तक उन्होंने अद्विक को खाना खिला दिया था। तो यहाँ पर फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि श्रीकांत का हम लोग वेट कर रहे थे, श्रीकांत अभी आया था, तो इसी वजह से फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और हाँ, लड्डू की जो रेसिपी है वो मेरे मराठी चैनल पर जाएगी, तो आपको फुल रेसिपी देखनी है लड्डू की, तो काफ़ी ईजी तरीके से बनाए हैं लड्डू और काफ़ी झट से बन जाते हैं, मतलब उस तरह से अगर आप बनाते हो लड्डू तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो वो चैनल पे मतलब मेरे मराठी चैनल पे उसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, तो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे वो चैनल की रेसिपी चेक कर सकते हो। तो और यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे, थोड़ा सा ना संडे के दिन इसी टाइप से होता है, और मेरे डाइनिंग पे ज़्यादा तामझाम हम लोग ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो इसी वजह से और ज़्यादा लोग नहीं बैठते हैं क्योंकि छोटा डाइनिंग है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग रहे तो फिर हॉल में आ जाते हैं और इस तरह से नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा था, हमारा संडे ऐसे ही होता है, और संडे के दिन चिकन या कुछ नॉनवेज रहता है, तो उस दिन हम लोग फिर इस तरह से नीचे बैठ के हॉल में जाके खाना खाते हैं सब लोग। गाइस डिनर हो गया है और हाँ, हमने लड्डू भी बना लिए थे, मतलब लड्डू तो मैंने बनाए, बाकी उन्होंने थोड़ी सी मुझे बांधने में हेल्प की। और यहाँ पर मेरे लड्डू जो है वो रेडी है, अभी से मतलब एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा सा सेट हो जाएंगे वो, उसके बाद खाएंगे। तो ये दो प्लेट्स बन गए हैं बड़े बड़े, तो और बिरयानी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई करना बिरयानी की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी बिरयानी, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, मतलब ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी टेस्टी बनती है और क्विक बनती है, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है उसमें। और मुझे ना ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद आती है, तो जिसमें ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होती, और ऐसी रेसिपी मुझे ज़्यादा पसंद है जो सिंपल हो, ईजी हो और क्विक बन जाती हो, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है मतलब ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपी बनाने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हाँ, अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको ये रेसिपी देखनी है लड्डू की, तो वो भी आप मेरे मराठी चैनल पर देख सकते हो, मेरे चैनल पर ये रेसिपी ऑलरेडी शेयर की होगी मैंने। चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।